एंड ये कुछ इस तरीके का तैयार हुआ हूं मैं। काफी थोड़ा सा फंकी लुक भी दे दिया हूं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई ये मस्त बंदा है, विच इज आई एम। तो ये है रॉबर्स केव जाने वाला रास्ता, वो रहा टिकट काउंटर, 35 रुपए एक आदमी का टिकट है। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते सत श्री अकाल सलाम केम छो कसाय पब्लिक जोहार और कैसन बड़ा रवा लोग, आप सभी का स्वागत है। तो मैं फिर से हाजिर हो गया एक बेहतरीन सीरीज लेके आप सभी लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो अभी मैं अपने पटना वाले घर पे हूँ और हम यहाँ से जा रहे हैं पटना से ही बहुत ही बेहतरीन जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। उस जगह को क्यून ऑफ हिल्स भी बोलते हैं एंड वो जगह है मसूरी। मसूरी एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड स्टेट में। वहाँ पे हम 2 रातें और 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो पे बने रहें क्योंकि ये वाली जो जर्नी है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं आपको मसूरी से बेहतरीन नजारे और दृश्य दिखाने को उत्सुक हूँ, बेताब हूँ। मसूरी तो मैं पहले भी गया हूँ लेकिन काफी छोटा था, बचपन में गया था मैं। तो इस बार जो मैं मसूरी जाऊंगा तो मैं सोच रहा था तो क्यों ना उसको कैप्चर करके एक व्लॉग के फॉर्म में आप सभी लोगों को दिखा दूं, ताकि आप लोग भी घर बैठे मसूरी शहर की बेहद खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सके मेरी नजरों से। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें एयरपोर्ट निकलना है। एयरपोर्ट में मेरी फ्लाइट है, यहाँ से दिल्ली जाएगी, फिर दिल्ली से हम वाया वॉल्वो मसूरी जाएंगे। और मैं आपको बीच बीच में सारी अपडेट्स और सारे जितने भी बेहतरीन नजारे हैं और जो ब्यूटीफुल क्लिपिंग्स है वो शेयर करता रहूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप जाके मेरे पहले वाले व्लॉग्स देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम आ चुके हैं पटना के वायु अड्डे पे। ये है पटना का जयप्रकाश नारायण वायु अड्डा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। ये पुराना वाला टर्मिनल है, नया टर्मिनल अभी बन रहा है, बहुत जल्द वो बन के तैयार हो जाएगा। पटना में भी एक आधुनिक एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। इस एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। अगर जितने भी लोग इंडियन पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं या बिहार के हिस्ट्री में रुचि रखते हैं वो जाके पता कर सकते हैं कि इस एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण क्यों पड़ा। तो बहरहाल हम अंदर चलते हैं और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। आई एम एट दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया हूं मैं। अब जा रहा हूं अपना लगेज कलेक्ट करने, बेल्ट नंबर 2 से लगेज कलेक्ट करने के बाद कैब वगैरह बुक करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहें, आई विल कनेक्ट यू गाइस बैक एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी मसूरी में हूँ। मसूरी इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स और ये उत्तराखंड में बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अभी मैं मसूरी में रुका हूँ, हमारी यहाँ 2 रातों की स्टे है। एक बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षक प्रॉपर्टी पे हमने स्टे करा है। साइलेंसर में ये माइनस स्क्रैचेस है पहले से, ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्ते सत श्री अकाल सलाम केम छो कसाय पब्लिक जोहार और कैसन बड़ा रहो लोग, आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार हमने अपनी मसूरी वाली जो जर्नी है उसको हमने कंटिन्यू कर ही दिया था दिल्ली पहुंच के, और अभी हम मसूरी पहुंच चुके हैं। और ये कुछ इस तरीके का नजारा है हमारे होटल के, हमारे रूम से बालकनी का व्यू आप देख सकते हैं, काफी रोमांचक है। आई एम काइंड ऑफ लाइक इट, मुझे तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। जो बस वाली जो जर्नी है जो दिल्ली से हम मसूरी आए वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि काफी रश हो गया था, काफी लेट भी हो गया था, ट्रैफिक में फंस गया था, तो जल्दी जल्दी मैं वो शूट नहीं कर पाया। बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीजें दे देता हूँ। बस हमारी अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से खुली, अक्षरधाम एक जगह है नोएडा में, वहां से बसें चलती हैं। हमने अपना पिकअप पॉइंट अक्षरधाम मंदिर बोला था, वहां से बस हमें ले गई। वॉल्वो थी, अच्छी बस थी, गुड कंडीशन की बस थी। तकरीबन सारी बसें ऐसी आपको मिलेगी। बस से हम देहरादून पहुंचे, देहरादून में उनका एक स्टॉपेज पॉइंट था क्योंकि वो बड़ी बस थी, वॉल्वो थी, तो वॉल्वो ऊपर मसूरी तक नहीं जाती है। तो फिर वहां से हमें छोटी बस से देहरादून से मसूरी लाया गया। देहरादून से मसूरी तकरीबन 25-30 किलोमीटर है एंड आने में हमें 1 घंटा 40 मिनट जैसा लगा। फिर उसके बाद हम अपने होटल पे पहुंचे एंड होटल पे हमने चेक इन वगैरह करा। कुछ इस तरीके का नजारा है मेरे होटल का, आप देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट टूर एंड रिव्यू देखना है होटल का तो आप मेरे monk_gappu वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको इस होटल का कंप्लीट टूर एंड
10 रिव्यू मिल जाएगा। बेहद खूबसूरत होटल है सही बताओ तो। दो रातें अब हम यहाँ पे रुकेंगे और आपको मसूरी और आसपास की जगह घुमाएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, आज हमारा डे 1 स्टार्ट होगा थोड़ी देर पे। बाइक वगैरह हमने रेंट कर लिया है, बाइक का भी आपको एक बार टूर करा देंगे और जहाँ से हमने रेंट करा है वो भी एक बार आपको दिखा देंगे, ताकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे व्लॉगिंग के थ्रू। तो चलिए वीडियो पे बने रहे एंड हम अपनी पहली लोकेशन, जो पहली डेस्टिनेशन है हमारी मसूरी सीरीज की, वहां पे कुछ देर में ही पहुंचेंगे एंड आई विल कनेक्ट यू गाइस बैक फ्रॉम देयर। सो फाइनली वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर मसूरी और हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। एंड ये कुछ इस तरीके का तैयार हुआ हूं मैं, काफी थोड़ा सा फंकी लुक भी दे दिया हूं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई ये मस्त बंदा है, विच इज आई एम। तो चलिए आप पहली लोकेशन पे चलते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं वहां पे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारी राम प्यारी जिसको हमने 3 दिनों के लिए बुक करा है। जब भी आप इस टाइप की बाइक्स वगैरह रेंट पे लेते हैं तो पूरा उसका एक कंप्लीट वीडियो बना लें, ताकि आपको पता चल जाए स्क्रैचेस वगैरह कहाँ पे है, ताकि आपको बाद में मतभेद ना हो जिनसे भी आपने इसको रेंट पे लिया है। तो अभी ये हमारे साथ 3 दिनों के लिए रहेगी, काफी मजा आने वाला है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी गाइस। हमारी मसूरी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी पहली लोकेशन में पहुंच गए हैं। ये है यहाँ का सबसे फेमस, सबसे प्राचीन श्री प्रकाशेश्वर मंदिर, महादेव जी का ये मंदिर है। और ये देहरादून से जब आप मसूरी की तरफ आओगे तो ये आपको पास में पड़ेगा। जैसे ही घाटी की चढ़ाई स्टार्ट होगी ये मंदिर आपको दिख जाएगा। और ये मंदिर काफी पुराना है और काफी लोग इसमें आते हैं, काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे माथा टेकने, एंड काफी मान्यता है इस मंदिर की। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम अपनी पहली जो डेस्टिनेशन है मसूरी जर्नी की, उसको हम ये मंदिर को रखे। हमने भी यहाँ पे माथा टेक लिया है, महादेव जी का आशीर्वाद ले लिया है और हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब तो आखिरकार मसूरी जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ चुके हैं। एंड ये काफी फेमस लोकेशन है, काफी सारे टूरिस्ट आते हैं इस जगह पे। उस जगह का नाम है सहस्त्रधारा। बाकी इसकी जो प्राचीन हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको और भी पास से दिखाता हूँ। तो लो जी, स्वागत है आपके लिए लिया मैं मसूरी और देहरादून का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा। इस जगह की अपनी एक बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्राचीन मान्यता है। यहाँ पास में आपको एक शिव मंदिर मिलता है, वो भी काफी पुराना है, काफी प्राचीन है। यहाँ के लोकल्स का कहना है और ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने वहाँ पे तपस्या की थी और घोर तप के बाद यहाँ पे बहुत सारी धाराएं प्रकट हो गई थी और उसी के बाद इस जगह का नाम सहस्त्रधारा पड़ गया है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बूंद बन के यहाँ पे बहुत सारी धाराएं बहती है, तो इसलिए इस जगह का नाम सहस्त्रधारा पड़ा है। तो ये कुछ डिटेल्स हमें यहाँ के लोकल और यहाँ के पुराने लोगों से मिली है। बाकी मैं आपको वहाँ का शिव मंदिर भी दिखाता हूँ इन शॉर्ट वाइल्ड। इस वाले लोकेशन में आपको इस टाइप की शॉप्स दिखेंगी जहाँ पे यू गेट टू हैव अमेजिंग स्टफ। आप यहाँ से बहुत सारे मर्चेंडाइजिंग वगैरह ले जा सकते हैं, काफी अच्छा काफी प्यारा सा कलेक्शन है। आई कैंड लाइक इट। बच्चों के खिलौने वगैरह सभी चीज मिल जाएंगे आपको। सो इफ यू कमिंग डाउन टू दिस प्लेस आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस। अगर आप इस वाली लोकेशन पे आ रहे हैं तो आप झरने के साथ साथ ये बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स बने हुए हैं बच्चों के लिए। आप यहाँ पे रैपलिंग, जिप लाइनिंग और भी बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट है वो कर सकते हैं। तो इफ यू कमिंग टू दिस प्लेस डू विजिट दैट पार्ट ऑल्सो, वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारा है। वहाँ पे आपको एक जाइंट स्विंग भी दिख रहा होगा, वो नीले कलर का, आप चाहे तो उसको भी चेक ऑन कर सकते हैं। तो हमारी मसूरी वाली जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली लोकेशन पे आ गए हैं दोस्तों। और जो नया लोकेशन हमारा है उसका नाम है द रॉबर्स केव। अभी हम वहाँ चलते हैं, सुनने में काफी अच्छा जगह है, काफी लोग आते हैं, आप देख ही सकते हैं ये सारी गाड़ियां जो आपको दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह के लिए है। धूप भी काफी तेज है, तो हम भी चलते हैं उस जगह पे और आपको और भी पास से दिखाते हैं। तो ये है रॉबर्स केव जाने वाला रास्ता, वो रहा टिकट काउंटर। 35 रूपए एक आदमी का टिकट है, फॉर वन एडल्ट दे आर चार्जिंग 35 रूपीज, विच इज आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्राइस। एंड वो रहा एंट्रेंस, ये रहा एंट्रेंस एरिया, आप इसी के अंदर जाके यू विल गेट इनटू दैट द फेमस रॉबर्स केव। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर। तो आखिरकार हमने प्रवेश कर लिया है, कुछ इस तरीके की गैलरी से गुजर के आपको जाना रहता है रॉबर्स केव की तरफ। 200-300 मीटर का ट्रैक है, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क भी है। रॉबर्स
स्लीपर्स केव तक जाने के लिए आपको जूते अलाउड नहीं है, आपको इस टाइप के स्लीपर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको पानी से होके गुजर के केव की तरफ जाना रहता है। तो इस टाइप के स्लीपर्स आपको रेंट पे मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ लॉकर की भी सुविधा है, आप अपने वैल्यूएबल आइटम लॉकर में रख सकते हैं एंड वापस में आके आप इसको रिटर्न करके यू कैन टेक बैक योर मनी। तो चलिए हम भी एक स्लीपर ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का वाटर स्ट्रीम से गुजर के आप केव की तरफ जाओगे एंड पानी भी काफी रिफ्रेशिंग है। जस्ट चेक आउट द फ्रिकिंग क्राउड मैन, जस्ट चेक आउट द फ्रिकिंग क्राउड, इट्स सो डैम फ्रिकिंग क्राउडेड, सो डैम फ्रिकिंग क्राउडेड। सो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस केव, आप देख सकते हैं इट्स सो अमेजिंग। कुछ इस तरीके के रास्ते से गुजर के आपको केव की तरफ जाना रहता है एंड इट्स डैम इंटरेस्टिंग, मेरे को तो काफी सही लग रहा है ये। सो वी ऑल ट्रैवल दिस फार फॉर दिस व्यू, एक छोटा सा झरना गिर रहा है एंड फॉर दिस व्यू वी केम ऑल दिस फार, बट इट्स वर्थ कमिंग। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुहाना लगा मुझे ये रास्ता यहाँ तक आने वाला। हमारी मसूरी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए अपनी अगली लोकेशन पे और ये है भट्टा फॉल्स। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है पूरे मसूरी के अंदर। और ये वाली जो आप देख रहे हैं जगह, ये है रोपवे टू भट्टा फॉल्स। यहाँ से रोपवे जाती है आपको भट्टा फॉल्स की तरफ लेके जाएगी। अगर आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है तो आप नीचे भी जा सकते हैं। अगर आपको इस रोपवे से जाने का मन नहीं है तो यू कैन टेक योर ओन व्हीकल एंड गो। देखिए कुछ इस तरीके का नजारा है यहाँ से, आप देख सकते हैं काफी रोमांचक, काफी मनमोहक है। तो इसलिए हमने भी चूज किया है कि हम भी रोपवे से ही चलेंगे। हमने अपनी टू व्हीलर यहाँ पार्क कर दी है, अब हम यहाँ रोपवे से जाएंगे क्योंकि यहाँ का रोपवे काफी आकर्षक है, काफी अच्छा नजारा आता है रोपवे से। तो विल एक्सप्लोर द रोपवे ऑल्सो। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ रोपवे की। तो देखिए कुछ इस तरीके है रोपवे, दो ट्रॉलीज जा चुकी है एंड देखिए कितने लोग खुश हैं यहाँ पे, काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है इसको, हम भी इसमें बैठने जा रहे हैं। तो ये रहा ये टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं रोपवे की। 250 रुपए लेते हैं एक आदमी का टू एंड फ्रो, मतलब आने और जाने का 250 रुपया पर पर्सन। मेरे हिसाब से रेट्स वगैरह नॉमिनल है। तो हम आ चुके हैं ऊपर, सॉरी हम आ चुके हैं नीचे, बहुत थके हुए हैं इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। रोपवे से नीचे आ गए हैं और ये रहा भट्टा फॉल्स का सीन। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी करने को, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। नीचे आके पूरा माहौल ही बदल गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक एडवेंचर थीम पार्क की तरह है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके का लगता है भट्टा फॉल दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी रोमांचक सा है, काफी सुनहरा है। आप वहाँ पे देखिए टेबल कुर्सियां लगी हुई है, आप वहाँ पे ऑर्डर करके कुछ भी चीज मंगा सकते हैं, यू कैन हैव इट इन दिस सराउंडिंग। तो चलिए हम भी कुछ खाते हैं वहाँ चल के। कितने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों लोग के लिए, सभी के लिए। वो देखिए एक जायंट स्विंग आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, देखिए चलिए हम भी चलते हैं उसका लुफ्त उठाते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा ये। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जगह, काफी सारी चीजें यहाँ करने को। वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है, आप चाहे तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में चिल कर सकते हैं और यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। देखिए लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है और ये जॉइंट स्विंग है। चलिए हम भी इसको एंजॉय करते हैं। ये सारे इवेंट्स के चार्जेस यहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ आके। तो हमने दिन में तो बहुत मजे किए मसूरी में, अब आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाते हैं। और नाइट लाइफ दिखाते दिखाते हम आ चुके हैं मसूरी का फेमस मॉल रोड। तो ये देखिए ये है मॉल रोड की चकाचौंध एंड काफी अच्छा लग रहा है देखने में।